अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हम उठ गए हैं, सुबह पढ़ रहे हैं फजर की नमाज़। अभी तकरीबन 5 का टाइम हो रहा है, 5-10 ऐसे कुछ टाइम हो रहा है। बस नमाज़ पढ़ते हैं, फिर कुरान वगैरह पढ़ते हैं, फिर आगे की जो रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो यहाँ मैंने नमाज़ अदा कर ली है और कुरान भी पढ़ लिया है। कशान भी उठे थे, उन्होंने भी नमाज़ भी पढ़ ली है, कुरान भी पढ़ लिया, बस वो भी लेट गए। अच्छा, मैं गोश्त चढ़ाने के लिए बैठी हुई थी, मैंने कहा चले गोश्त गैस आ जाएगा तो गोश्त चढ़ा दूँगी, लेकिन अभी तक तो गैस आया नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस मैं भी थोड़ा सा आराम करती हूँ। जागने से भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गैस तो आ नहीं रहा, बस गैस आएगा तो फिर सुबह उठ के जो है थोड़े। अच्छा, मैं सुबह उठ गई थी, गैस तो आ नहीं रहा था। सुबह उठने के बाद फिर मैंने जल्दी से गोश्त चढ़ाए, गोश्त चढ़ाने के बाद फिर काम में लग गई। काम में लग गए हमारे, पहले ही मैक्रोनी तैयार थी, ये मैक्रोनी भी तैयार हो गई यहाँ पे, मैक्रोनी तैयार हो गई। और बस यहाँ हमारी बन रही है बिरयानी। ये बिरयानी बस ज़रा पानी इसका खुशक हो जाए, फिर इसको दम पे लगाते हैं, बिरयानी भी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने खीरा कट कर लिया है, ये खीरा भी कट करके रख लिया इसमें। मैंने कहा ये जो है ना बिरयानी के साथ अच्छा लगेगा। पानी की बोतलें भी खाली हो गई थी, पानी की बोतलें भरी सारी, और ये बर्तन वगैरह जो है ये सब रख लिए इसमें, ये बर्तन रख लिए इसमें शॉपर में, चम्मच रख लिए, बस ये हो गया तैयार। आयशा ने सारे घर की सफाई कर ली जल्दी से। अभी अपने पापा को उन्होंने नाश्ता दिया, मैं पका रही थी। ये तो जो है ना उसका ऐसी सब हम हो गए रेडी। अच्छा, यहाँ रिक्शे पर बैठते हैं, घर से निकलते वक्त जो है ना बच्चे देर में सामान वगैरह समेटे निकलते हैं। अभी यहाँ जो आए हैं ये स्कूल की जो है छुट्टी लेने के लिए आए हैं, ज़ैनब की। देखें छुट्टी देते हैं या नहीं देते, बस यहाँ वेट कर रहे हैं। कशान गए हुए ज़ैनब की छुट्टी लेने के लिए, अगर छुट्टी दे देते हैं तो फिर ज़ैनब को भी लेके जाते हैं साथ। यहाँ काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं बैठे हुए रक्शे में, आप देखें कब तक देते हैं वो छुट्टी। छुट्टी देते हैं तो फिर निकलते हैं यहाँ से। और ये हमारा सामान रखा हुआ है, सब मैंने जो है तैयार कर लिया था। जो कूलर में बर्फ़ वगैरह भी डाली थी, कटोरों में मैक्रोनी निकाली मैंने, और बर्तन वगैरह सब रख लिए थे। ये हमने जश्न पता कर लिया, इसकी छुट्टी लगे, स्कूल वाले छुट्टी नहीं दे रहे थे ना, छुट्टी नहीं दे रहे थे स्कूल वाले, है ना। ओए छुट्टी नहीं दे रहे थे स्कूल वाले, आ अल्लाह अब छुट्टी दे दी है उन्होंने, अब इसके कपड़े मंगा। ये मेरी नंद का बेटा है छोटा। यहाँ हम रुके हैं अभी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, पूछने के लिए गए कि ठंडी है या नहीं। वैसे लिखा हुआ तो है कि यहाँ बर्फ़ भी है, बस यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और बच्चों की कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है खाने के लिए, बोले जाते हैं। ये बच्चों की यहाँ रखी हुई चीज़ है, सामान ले रहे हैं, सामान लेके अंदर चलते हैं सब। यहाँ आ गए ये सब, और ये रेत देखें, अल्लाह इतनी तप रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज धूप की वजह से जो है ना गर्म हो रही है, चला भी नहीं जा रहा इस पर। अभी यहाँ हम आए, लेकिन यहाँ जो है ना बहुत गंदा पानी हो रहा है, गंदगी भी हो रही है कुछ यहाँ पे ना, तो बस यहाँ से चलते हैं अभी आगे जो है, देखते हैं कहीं और दूसरी जगह पर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो जो है बहुत गंद हो रहा है, कचरा भी बहुत हो रहा है और पानी भी बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पे। तो बस अभी दूसरी जगह पे जाते हैं, शायद हम लोग अलग जगह पे आ गए, लेकिन खैर लोग तो हैं यहाँ पे, बच्चे नहा नहीं रहे कि यहाँ पे पानी गंदा हो रहा है, तो इसलिए जो है ना अभी चलते हैं दोबारा सामान वगैरह लेके। आ तो गए थे अब यहाँ से, आ जाओ कशान, आ जाओ वापस, आ जाओ बेटा कशान, वापस आ जाओ, आ जाओ चलते हैं यहाँ से, फिर जाओ सामान उठाओ। आशा, ये कशान और मोहसिन आ रहे हैं, जगह देखने गए थे कि यहाँ कोई जगह है या नहीं सही, ये वापस आ गए। अब देखें आके क्या कहते, क्या हुआ है,
छोटी ऐसी है। चलो ना इनको देखो जरा, यही कह रही है तो ये जो है इस तरह जो है ना वो बाइक चला रहे हैं। ये पानी की होगी ना, पानी की बाइक है, रेस्क्यू वाले। देखो कहाँ तक जा रहे हैं, अल्लाह यहाँ जो है ये खाना खा रहे हैं पहले, फिर बाद में जो है ना बच्चे नहाना शुरू करेंगे सब, तब ये सब खा रहे हैं खाना। खाना खाने के बाद जो है ये बच्चे नहा रहे हैं यहाँ सामने और हम यहाँ बैठे हैं दोनों। हम दोनों भी अभी यहाँ बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं सामने। अभी आपको मैं दिखाऊँ ना पानी, अभी जहाँ आए थे जब हल्का था ना और चढ़ गया है पानी, बस अभी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू हो गया। ये कि धूप लग रही है मुँह पे लेकिन गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। ये देखिए मैं अभी आपको शुरू हो गया। ये देखें, अच्छा हम यहाँ बहुत दूर बैठे हुए तो जब यहाँ तक नहीं था पानी, आपको नजर आ रहा होगा ना यहाँ से, यहाँ नहीं था पानी। अब ये बच्चों को ऊँट पे बिठाने का कह रहे हैं, जैनब इतना बुरा रोई, बहुत डर रही है जैनब इससे ऊँट से। फिर हमने इनको कहा अंकल को भाई चले जाएँ आप, हमारी बच्ची डर रही है, वो बेचारे अब जा रहे हैं। उसकी वजह से जो है ना कशान भी और आयशा भी कोई भी नहीं बैठा, क्योंकि जैनब जो डर गई है इतना बुरा वहाँ खड़े में। ये दोनों बहन भाइयों को देखे जरा, अब जो है ना आधे से ज़्यादा नहा लिए, कितनी देर से नहा रहे हैं, अब इनको याद आया कि वो सन ब्लॉक लगा लेते हैं, ये क्रीम लेकर आए थे, अब याद आया इनको, ये देखें ये लगा रहे दोनों। अल्लाह क्या भूत बना दिया जैनब को, तो नहा तो ली थी या तो जब आए थे जब ही लगाते दोनों, अब आप भी लगाओगे। लो भाई इनकी फुप्पो की बेटी जो है ना बद्दुआ दे कशान को, कितना ज़्यादा काला हो जाए, वो जो है ना अपने चेहरे की केयर कर रहे हैं। घर चले, ये देखे इसको मूड नहीं है, क्या हुआ घर नहीं जाना, क्यों बेटा, बस नहा तो ली चले, जैनब घर चले, चल आओ घर चले, नहीं मजा आ रहा है यहाँ। मैं और मेरे हस्बैंड कब से खड़े हुए, ये देखिए ये खड़े हुए, ये भी खड़े हुए, मैं भी खड़ी हुई हूँ यहाँ, कब से बैठे हुए
यहाँ तो कपड़े भी दुपट्टा भी कुछ भी नहीं संभाल रहा। बच्चों को कह रहे हैं कि आ जाओ पानी में से, बच्चे भी नहीं आ रहे। वो इतना एंजॉय कर रहे हैं कि उनका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा देखने को, बैठे हैं वहाँ पे सारे बच्चे, उनका आने को दिल ही नहीं चाह रहा। बस हम दोनों ही बैठे हैं, खड़े हुए यहाँ पे, पहले बैठे हुए थे काफ़ी देर से, फिर अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी हम लोगों ने। मैं कह चले बच्चों को भी बुला लेते, बच्चे आने का नाम ही नहीं रहे, खाना खा के जो गए बस उनका मूड ही नहीं है अब आने का वापस नहाने। मैंने कहा चले और इंजॉय कर, कहाँ हाँ कश्ती, अच्छा हम यहाँ से दूर दूर जो है ना इंजॉय कर रहे हैं, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हाँ अभी वो देखी थी ना, वो वाले जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये देखें, ये देखें कश्ती में लोग जो है बैठे हुए, ये वहाँ इतनी बहुत दूर है, ये मैंने अभी क्रॉस करी है ना तो इस वजह से नजर आ रही, बहुत दूर है ये वाली कश्ती। सब बैठे हुए यहाँ बच्चे वगैरह, अच्छा बच्चे कह रहे थे कश्ती में बैठे, मैंने कहा नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये रेस्क्यू वाले हैं, ये जो है ना नहीं बैठ रहे वैसे भी लोग यहाँ पे पानी के अंदर जो है ना ये सफर करा रहे हैं, ये किराया ले रहे हैं ये। हाँ वही तो कह रही ना, अभी कशान कह रहे थे ना कि मामा ये क्या नाम है, हम नहीं बैठना है इसमें, ये चश्मे वाले और ये जो दो आगे बैठे हैं ये किराया इनको देंगे रेस्क्यू वालों। बच्चे भी जिद कर रहे हैं इनको देख के कि कश्ती में हम नहीं बैठना, मैंने कहा नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। और वैसे ही पानी जो है देखे कितनी तेज स्पीड में आना शुरू हो गया है, हम लोग यहाँ देखे रखा हुआ हमारा सामान, चादर वगैरह बिछी हुई, हम बहुत दूर बैठे हुए थे लेकिन अब देखे कितना करीब पानी आता जा रहा है, बहुत करीब आ गया है पानी, ये कितना करीब आ गया है, और मजीद हम कितना दूर बैठे हुए थे पानी से, अब पानी चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता और पानी बहुत करीब आ गया, अब हम सामान समेट रहे हैं, चादर वादर हम अपनी समेट रहे हैं, ये देखें पानी कितना नज़दीक आ चुका है, पहले कितना दूर था अब देखें आहिस्ता आहिस्ता पानी चल रहा है। ये सामान मैंने सारा सिमट मा लिया, मैंने कहा ये सामने जो है लेके चलो, कशान ये सामान ले गए, मौसी नहीं उठा लो बेटा कूलर से, ये एक कूलर रह गया और बस ये चप्पलें रह गई हैं यहाँ पे, ये चप्पलें उठा लेते ना फिर बच्चे यहाँ नहाते रहेंगे। ये पानी जो है ना बहुत करीब आ गया, यहाँ चादर बिछाई हुई थी सारे में पानी पाई, मैं भी बस वहाँ बैठने जा रही हूँ सामने। अच्छा हम लोग यहाँ इसलिए नहीं बैठे थे कि बच्चे जो है ना दूर नज़र आते बहुत, तो मैंने कहा चले बच्चों के करीब बैठूंगी सामने तो मुझे तसल्ली भी रहेगी ना। जैनब क्या हुआ, नहा के आ गई, जाना नहीं है और नहाने, बस क्यों बस इतना ही बहुत है, क्यों नहीं नहा रही, सर्दी लग गई, सर्दी लग रही है जनब, सर्दी लग रही है बहुत, नहा ली, काफी देर से तो नहा रही है, मजा आया, इंजॉय किया ना आपने, हाँ बहुत इंजॉय किया। और हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ आके बैठ गए, अब यहाँ बैठे हैं ये जगह और ये बैठी है ज़ैनब, ज़ैनब ज़ैनब जो है नहा के आ गई है, सर्दी लग रही है ज़ैनब को, बस बच्चे दोबारा नहाने के लिए चले गए, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, धूप की धूप तो नहीं लग रही थी, खैर ठंडी हवा लग रही थी, बस बच्चों की वजह से कि बच्चे जो है ना दूर से नज़र आते थे इसलिए हम लोगों ने खाना भी वहीं बैठ के खाया, और बच्चों का कर रहे थे, लेकिन ये कि बच्चे थोड़ा तहम्मुल से सुकून से नहा रहे, वरना ये टेंशन होती है कि ये आगे ना चले जाएँ, बस इस टेंशन की वजह से अब मैंने देख लिया ना काफ़ी देर से कि बच्चे जो है ना एक जगह बैठ के बस आराम से नहा रहे, तो फिर मैं उठ के यहाँ आ गई, मैंने कहा चलें अब बैठ जाते हैं यहाँ पर, वरना हम लोग पहले यहीं बैठे थे लेकिन फिर वहाँ चले गए थे बच्चों की वजह से, अब बच्चे नहा रहे हैं आराम से, ज़ैनब आ गई है हमारे पास ही बैठी हुई है, चीज़ें खा रही हैं, खाना तो खा लिया था इन्होंने, बस अब जो है बच्चे हमने कहा घर चले, उनका जाने का दिल ही नहीं है अभी, हैं बच्चे बच्चे का मूड नहीं है जाने का अभी, बच्चे बोलते हैं अभी नहीं जाना, अभी तो यहाँ एंजॉय करेंगे फिर जाएंगे, बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं है जाने का, वो तो वो नन की बेटी है वो भी नहीं जाने के लिए तैयार, भाई कह रही नहीं मामी अभी नहीं चलते, थोड़ी देर और रुक गया थोड़ी देर, ज़ैनब का दिल भर गया ना अभी, ज़ैनब बस ज़ैनब नहा ली है, ज़ैनब का जो है ना सर्दी लग गई है बस उनका मूड नहीं है। मैं बच्चों की वजह से यहीं बैठी हुई थी, अभी ज़रा से उठ के आ गई हूँ और देखिए इतनी देर हो गई है पता नहीं कहाँ, नज़र ही नहीं आ रही, अब उठ के आई हूँ मैं इतनी दूर, अब नज़र आए वो देखें सामने वहाँ, इतनी दूर आ गए ये, बस मैं उठ के ज़रा सा गई हूँ और इन्होंने जो है ना फ़ौरन आगे चले गए, इसी चीज़ से डर के मैं यहाँ बैठी हुई थी इन लोगों की वजह से धूप में, अब जाती हूँ ज़रा इनसे पूछती हूँ, इतनी दूर बैठे हुए, एक तो मैं पानी में जाती भी नहीं हूँ, इतनी आवाज़ें लगाई हैं सुन ही नहीं रहा कोई भी, अब आवाज़ गई है इनको, अब इनके पापा से जो है इनको डांट पड़ेगी कि ये इतनी दूर गए क्यों,
ये देखो ये मेरे बच्चों को डर नहीं लग रहा है, ऐसे पागल हुए मैं पानी में। और ये मैं इतनी दूर खड़ी भी हूँ, ये देखें ये पानी की झाल आ रही है। ये आयशा घोड़े पे बैठी है। अच्छा यहाँ से जाते वक्त कितना चीख रही थी, डर रही थी, और अब देखो जरा कितनी खुश होती हुई आई। अब ये उतरेंगी तो कशान बैठेंगे, और जैनब तो बहुत ही डर रही है भाई। ये कशान बैठ गए, ये ऊँट वाले इतनी जिद कर रहे कर रहे। जैनब इतना डर रही है, जैनब बहुत डर रही है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, आपको नहीं बिठा रहे, नहीं बिठा रहे आपको, नहीं 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 भाई नहीं डराओ, डर जाएगी। नहीं नहीं बस वो भाई वो गए उस पे घोड़े पे, अभी आते हैं ठीक है। जैनब यहाँ इंजॉय करी है अकेली, वहाँ सब नहाने गए, ये अकेली अकेली यहाँ इंजॉय करी है ना। जैनब जैनब जाना है नहाने? नहीं जा रही हो क्या? भाई के पास जा रही हो? भाई के पास भी जाना है, जब सर्दी लगती है वापस आ जाती है, फिर अकेले अकेले जो है ना यही बेचारी खुद ही इंजॉय करी है। जैनब क्या हुआ, ले आई भाई को? कैसे लेके आई? कान खींच के लेके आई हो? कशन कान खींचा है? कान के यहाँ से बोल के गई है, कह रही चुप हो जाओ, मैं कशान भाई के देना कान खींच के लेकर चल रही हूँ, नहीं चल रहा कान खींच के लेकर आऊंगी। हाँ बहुत आगे आगे जा रहे थे ना पानी में, इसलिए कान खींच के आई है ना जैनब। सही करा, सबको लेकर आ गए, देखो सबको लेके आई है घसीट के। यहाँ मैं तो रक्षे में आके बैठ गई, काफी देर हो गई मुझे रक्षे में बैठे हुए, बच्चों तो नहीं आ रहे, मैंने तो चले रक्षे में बैठ जाते हैं। यहाँ जा रहे हैं हम घर, बस घर जाने की तैयारी हो गई है। ये हाल देखो इनका, इनका इरादा नहीं था आज घर जाने का ना। जैनब मजा आया? जैनब का मूड इसलिए खराब हो गया कि इसको नींद आ रही है, थक गई है ये बहुत ज्यादा, चार घंटे से मुसलसल नहा रहे ये सब, लेकिन फिर भी दिल नहीं भर रहे इन लोगों का। सब घर जा रहे हैं, घर जाने के लिए हो गई।